नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास अक्ष का स्पेशल शो मोशन लेवल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर भारत की संस्कृति का खुमार दिखने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिस तरह से भारतीय संस्कृति में लोगों का स्वागत करने के लिए नमस्ते और नमस्कार किया जाता है, शिखर सम्मेलन में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने वैश्विक नेताओं को नमस्ते से स्वागत किया। उनका यह अंदाज पूरी दुनिया में वायरल हो गया है। कई यूजर्स ने इसको लेकर सवाल किया कि क्या G7 शिखर सम्मेलन के मेजबान ने मेहमानों के स्वागत के लिए मोदी तरीका अपनाया है। तथ्य यह है कि मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में #मेलोडी के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती का वर्णन बीते दिनों किया था, जिसमें इंटरनेट पर हलचल मचा दी थी। हालांकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इटली के साथ भारत के संबंध अपने स्वर्णिम काल में है। इसके लिए बता दें कि इतिहास में भारत और इटली का गहरा संबंध रहा है। शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सम्राट अशोक ने इटली सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में शांति और कल्याण का संदेश लेकर अपने दूत भेजे थे। 13वीं शताब्दी में इतालवी यात्री मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया और जब उन्होंने भारतीयों को अपने चूल्हे और भट्टियों में कोयलों का उपयोग करते हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि भारतीय और चीनी भी वस्तुओं को गर्म करने के लिए काले पत्थर जलाते हैं, लेकिन भारत इटली संबंध एक हालिया और अधिक गहन और निर्णायक पहलू भी है। जब सैकड़ों भारतीय सैनिकों ने इटली की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। एडॉल्फ हिटलर के जर्मनी ने सितंबर 1943 में इटली पर कब्जा कर लिया, जिसे मित्र देशों ब्रिटेन, अमेरिका, USSR को जवाबी हमला शुरू करना पड़ा। अंग्रेजों की कमान में 3 बेहतरीन 4th, 8th, and 10th इन्फेंट्री डिवीजन भारतीय पैदल सेना डिवीजन इताली मोर्चे पर पहुंचे। सबसे पहले 8वीं डिवीजन पहुंची थी, लेकिन 4th डिवीजन ने सबसे भीषण और महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। 3 इन्फेंट्री डिवीजनों ने इतालवी अभियान में लिया हिस्सा। ब्रिटिश मिलिट्री हिस्ट्री नामक वेबसाइट के अनुसार भारतीय सेना के 3 इन्फेंट्री डिवीजनों ने इतालवी अभियानों में भाग लिया। ये 4th, 8th, and 10th भारतीय डिवीजन थे। 8वीं भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन इटली में पहुंचने वाला देश का पहला डिवीजन था, जिसने वर्ष 1941 में अंग्रेजों द्वारा इराक और ईरान में हुए हमलों के समय कार्रवाई की। दूसरा आगमन 4th भारतीय डिवीजन का था, जो दिसंबर 1943 में उत्तरी अफ्रीका से इटली गया था। वर्ष 1944 में इसे कैसिनो में तैनात किया गया था। तीसरा आगमन 10वीं भारतीय डिवीजन का था, जिसने वर्ष 1941 में अहमदनगर में गठित किया गया था और वर्ष 1944 में इटली पहुंचा था। 5000 से अधिक भारतीय जवानों ने प्राणों की दी आहुति। इस अभियान के दौरान कम से कम 5782 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसके पार्थिव शरीर आज भी इटली में प्रमुख शहरों के 40 कब्रिस्तानों में दफन है। इटली को आज़ाद कराने के लिए दिए गए 20 में से 6 विक्टोरिया क्रॉस भारतीय सैनिकों को मिले थे। भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर इटली के 6 प्रमुख शहरों कैसिनो, ओरेजो, फ्लोरेंसो, फोलो, संग्रो नदी और रिमिनी के 40 कब्रिस्तानों में दफन है। भारत के शहीदों का उल्लेख UK स्थित कॉमनवेल्थ वार ग्रेव कमीशन बुकलेट में भी किया गया। कैसिनो युद्ध में शहीद 4271 राष्ट्रमंडल सैनिकों के पार्थिव शरीर कब्रिस्तान में दफन है, जिनमें से 431 भारतीय है। कब्रिस्तान के भीतर कैसिनो मेमोरियल खड़ा है, जो 4000 से अधिक राष्ट्रमंडल सैनिकों की याद दिलाता है। इसके अलावा 1438 भारतीयों के कब्रों के बारे में पता नहीं चल सका। तो आज हमने आपको भारत और इटली के संबंधों के इतिहास के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत है। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।